नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। खाने के पैसे नहीं, हर हाल में हमें गांव भेजो। बांद्रा स्टेशन पर फंसे मजदूर। मुंबई में पिछले 20 से 25 दिनों में फंसे इन मजदूरों से जब आज तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुंबई में उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा है, ना खाने के सामान है, ना ही रोजगार मिल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अगले 20-25 दिन गुजारना मुश्किल है, इसलिए वे किसी भी हर हाल में वे गांव जाना चाहते हैं। जब रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने इन्हें समझाया कि ट्रेन बंद है तो वे लोग अधिकारियों की बात तक मानने को राजी नहीं हुए। इसके बाद पुलिस वालों को लाठी चार्ज करनी पड़ी। तो चलिए इनके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। घर जाने की आस में बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे मजदूर। लॉकडाउन की उड़ी धज्जी, अब पुलिस का लाठी चार्ज। मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर मंगलवार को अचानक हजारों मजदूर पहुंच गए। बिहार, उत्तर और झारखंड में रहने वाले इन मजदूरों को भरोसा था कि आज लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और वे पहली ट्रेन से ही अपने गांव वापस जाएंगे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में इतनी भारी भीड़ देखकर अधिकारियों के पसीना छूट गए। इनमें से कई ऐसे मजदूर थे कि जिन्हें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा चुके हैं। मुंबई में पिछले 20 से 25 दिनों से फंसे इन मजदूरों से जब आज तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुंबई के पास कुछ नहीं बचा है, ना खाने को सामान है और ना ही रोजगार मिल रहा है। ऐसे में उनके लिए 20 दिन गुजारना मुश्किल है, इसलिए वे किसी भी हर हाल में घर जाना चाहते हैं। जब रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने इन्हें समझाया कि ट्रेन बंद है तो वे अधिकारियों की बात तक मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ा। रिपोर्टर के मुताबिक जब इन मजदूरों को जानकारी मिली तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो इनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया। इन्हें लगा कि अब इसी हाल में उन्हें पूरा मई महीना गुजारना पड़ेगा। इसके बाद मजदूर समूह बनाकर बांद्रा स्टेशन की ओर निकल पड़े। बांद्रा स्टेशन से ही दूसरे राज्यों की लंबी दूरी की ट्रेनें खुलती हैं। कई मजदूर अफवाहों पर यकीन कर भी यहां तक पहुंच गए। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। इस पूरी घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही इन मजदूरों के लिए राहत पैकेज का घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई 5 किलो अनाज काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को राशन कार्ड का रंग देखे बिना सभी को अनाज मुहैया कराना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सरकार को हर जनधन खाता विधवा महिलाएं के खाते में 7500 रुपए ट्रांसफर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताएं, क्या ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था या नहीं, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।